वेलकम टू आई एजुकेट क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। तो हमें पता है कि जो पहले मुगल एम्परर थे वो थे बाबर, ठीक है। सो बाबर का जो इन्वेजन है इंडिया में उसको लेके बहुत तरीके की हिस्टोरियंस का अलग अलग थ्योरीज रहते हैं। तो जो हमारे एनसीईआरटी में जो व्यू पॉइंट दिया गया है उसको लेके हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वहाँ पे हम पहली बात डिस्कस करेंगे कि सेंट्रल एशिया में क्या सिचुएशन हो रहा था और इंडिया में क्या सिचुएशन चल रहा था, तभी जाके आप इतने बड़े घटना की ठीक तरीके से पोस्टमार्टम कर पाएंगे। देखिए, सोशल साइंस में कोई भी चीज़ आइसोलेटेड इवेंट नहीं होती है, वो एक बहुत सारे इवेंट्स का कल्मिनेशन होती है और फिर हमें जो है एक रिजल्ट मिलता है, ठीक है। वैसे ही हम आज के इस छोटे से वीडियो में बहुत ही सिंपली हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो है बाबर का इन्वेजन सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। हालांकि डिटेल्स में अगर जाएं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरा मोटिव यही रहेगा कि जितना शॉर्ट में हो सके आपको सिंपल भाषा में ये समझाया जा सके। तो सबसे पहला सिचुएशन हम देख लेते हैं सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया में आपको पता होगा जो तिमुरिड डायनेस्टी रूल करता था उसका जो रेंज था वो था फ्रॉम टर्की टू वेस्टर्न पंजाब, है ना। और जो तैमूर आपको पता होगा वो बहुत ही क्रूर शासक माना जाता था तिमुरिड डायनेस्टी का। नाउ तैमूर के डेथ के बाद उसका बेटा शाहरुख मिर्जा जो है तिमुरिड डायनेस्टी का राजा बनता है, ठीक है। 1405 से लेके 1448 तक शाहरुख मिर्जा तिमुरिड डायनेस्टी को अच्छी तरीके से इंटैक्ट रखता है। लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ शाहरुख मिर्जा ये जो तिमुरिड डायनेस्टी होती है वो जिन ग्रेजुअली जो है वो वीक होती रहती है, ठीक है। और बाबर जो हमारा आज का टॉपिक है उसका जो पैटर्नल साइड अगर हम देखें तो वो सीधा लिंक होता है तिमुर के साथ, और उसका जो मैटर्नल साइड अगर हम देखें मैटर्नल लिंकेज देखें तो वो जाता है चेंगिस खान के साथ, ठीक है। सो एक तरीके से तिमुरिड डायनेस्टी जिस जिस रीजन पे अटैक किया था, प्लंडरिंग हुई थी, वो वाले रीजन को बाबर जो है आइडियोलॉजिकली अपना लेजिटिमेट रीजन मानता था, ठीक है। नाउ आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ दिस तिमुरिड एम्पायर द सेंट्रल एशिया में तीन बड़े पावर्स का इमर्जेंस होता है। पहले पावर्स होते हैं ऑटोमन टर्क्स, सेकंड होते हैं सफाविड्स, और जो वेस्टर्न ईरान में हमें देखने को मिलते हैं वो हैं उज़्बेक्स। ये जो उज़्बेक्स थे वो सुन्नी मुस्लिम्स थे और सफाविड शिया थे। तो इन दोनों के बीच में एक जो है रिलीजियस क्लैश होना इज अ वेरी ऑब्वियस थिंग, ठीक है। तो इन तीनों के बीच में जो है सेंट्रल एशिया को जीतने के लिए एक तरीके से होड़ सी मची थी, ठीक है। और उसी दौरान अगर हम 15th सेंचुरी की बात करें तो इंडिया में भी कुछ इसी तरीके का ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हमें देखने को मिल रही है। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो उस जमाने में जो मालवा रीजन था वो सबसे रिसोर्सफुल रीजन माना जाता था। और आपको पता है कि 1451 में जो बहलोल लोधी था उसने लोधी साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया में तीन पावर्स के बीच में मालवा को जीतने के लिए एक होड़ मच गई। वो तीन पावर कौन कौन थे? मेवाड़ था, गुजरात था और लोधीज थे, ठीक है। और ये जो है ग्रेजुअली हम देखते हैं जब 16th सेंचुरी आता है तो गुजरात जो है वो गेन हो जाता है। तो अभी जो है दो कॉम्पिटिटर्स, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स कौन थे? वो थे राणा सांगा ऑफ मेवाड़ और जो है इब्राहिम लोधी ऑफ द लोधी डायनेस्टी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नाउ हम चलते हैं हमारा जो आज का टॉपिक मेन टॉपिक है वो बाबर के ऊपर। बाबर जो है 1494 में सिर्फ 12 साल की उम्र में ही उसने फरघाना नामक एक छोटे से किंगडम पे कब्जा कर लिया था। बाबर का अगर आप उसका अगर आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे तो वो एक चाइल्डहुड से ही वो एक बहुत ही एम्बिशियस टाइप का इंसान था, ठीक है। और जो है समरकंद उसका मेन वीक पॉइंट था, क्योंकि समरकंद उस जमाने में सिल्क रूट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटर माना जाता था, और समरकंद के लिए बाबर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है। हम ये देखते हैं कि समरकंद को बाबर दो बार जीतता है, लेकिन वो दोनों ही बार वो समरकंद को सस्टेन करके रखने में
विफल होता है और उसके खुद के अंकल जो है उसे सपोर्ट नहीं करते हैं। और एंड में ये जो उज़्बेक्स था, उज़्बेक्स थे, ये उज़्बेक का एक बहुत ही पावरफुल रूलर था शैबानी खान। वो शैबानी खान जो है बाबर को जो है समरकंद से डिफीट करते हैं और बाबर को मजबूरन काबुल भागना पड़ता है, क्योंकि अगर समरकंद में रहेगा तो वो तो ही विल ऑब्वियसली गेट किल्ड, राइट। सो इन 1504 बाबर वन काबुल, ठीक है। नाउ उसके बाद सेंट्रल एशिया में कुछ बड़े पॉलिटिकल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। आपको याद होगा मैंने बोला था सफाविड डायनेस्टी, जो कि शिया मुस्लिम्स का एक पॉलिटिकल ग्रुप था, उसके बहुत पावरफुल किंग थे, उनका नाम था शाह इस्माइल। नाउ इन शाह इस्माइल ने ये जो शैबानी खान था उज़्बेक्स का, यह डिफीट कर दिया इन द बैटल ऑफ मर्व, है ना। तो बैटल ऑफ मर्व में जो है उज़्बेक्स डिफीटेड बाय द सफाविड्स। अभी ये जो सफाविड्स थे इन्होंने बाबर को जो है समरकंद का गवर्नर नियुक्त कर दिया, ठीक है। लेकिन बाबर को तो रूलर बनना था, बाबर को एक सॉवरेन राजा बनना था, तो ये जो गवर्नरशिप था उसे ज्यादा जमा नहीं, ठीक है। और इन द सब्सिक्वेंट ईयर हम ये भी देखते हैं कि 1514 आते आते ये जो उज़्बेक जो हार गए थे बैटल ऑफ मर्व में, शैबानी खान हारा था ना, वही शैबानी खान के जो जो वंशज थे उन्होंने 1514 में फिर से कमबैक किया और इन सफाविड्स को हरा दिया, ठीक है। और फिर से उज़्बेक्स पावर में आ गए, और जब उज़्बेक्स पावर में आएंगे तो वो जो सफाविड्स के जो एजेंट था, बाबर तो सफाविड का ही एक तरीके का एजेंट की तरह काम कर रहा था, तो उसे भी उन्होंने समरकंद से भगा दिया। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको समझने वाली चीज है कि यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टेस्ट हो रहा है राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में, टू विन जो है मालवा, ठीक है। ये दोनों कट्टर दुश्मन है। बाबर जो है वो काबुल में भी अनसेफ है क्योंकि वहां पे उज़्बेक्स बहुत एग्रेसिवली उसकी तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे एंट्री होती है एक और कैरेक्टर की जिसका नाम है दौलत खान लोदी। नाउ ये दौलत खान लोदी ये एक अफगान था, ठीक है, और ये एक गवर्नर था ऑफ इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के बारे में ये कहा जाता है कि इसका इसके नोबल्स के साथ अच्छी नहीं जमती थी, तो बहुत सारे जो रेबेलियस नोबल्स में से ये दौलत खान लोदी एक था जो कि पंजाब का गवर्नर था। तो बहुत सारे हिस्टोरियंस, हालांकि ये डिबेट का इशू है, बहुत सारे हिस्टोरियंस ये जो है दावा करते हैं कि दौलत खान लोदी और राणा सांगा ये दोनों जो है बाबर को लेटर लिखते हैं टू अटैक इब्राहिम लोदी इन इंडिया, ठीक है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त, है ना। तो उसी तरीके से बहुत सारे जो है हिस्टोरियंस का ये मत होता है। हालांकि अगर आप ये जो पूरा पॉलिटिकल सिचुएशन को अगर आप स्टडी करें तो सिर्फ एक लेटर से बाबर जितना चालाक और श्रूड पॉलिटिशियन या एडमिनिस्ट्रेटर सिर्फ एक लेटर के इनविटेशन से इंडिया जैसे अननोन टेरिटरी में अटैक कर देगा, ये थोड़ा समझ से परे लगता है। आप देखिए ना, ये तो बहुत ही ऑब्वियस था, काबुल में वो अनसेफ था, पंजाब जो है वो बहुत ही रिच प्रोविंस था, इंडिया ओवरऑल रिच था, है ना। काबुल से तो उसके अपने सोल्जर्स तक को पैसे देने का उसके पास रेवेन्यू नहीं होता था, काबुल और कांधार से, तो उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था इंडिया आने को। और वो अपने सोल्जर्स को भी इसी तरीके से मोटिवेट करता था कि मेरे साथ तुम लोग जो है मेरा साथ दो और जो है मैं तुम लोगों को अच्छी जिंदगी दूंगा, क्योंकि आफ्टर ऑल ए लीडर इज ए सेलर ऑफ ड्रीम्स, बाबर भी वही था, ठीक है। तो उसके जो सोल्जर्स थे, उसके जो बेग्स थे, वो मोटिवेटेड हुए, लेटर यहाँ से गया, बहुत लोग कहते हैं, तो बाबर जो है फाइनली आता है इन द बैटल ऑफ पानीपत अगेंस्ट इब्राहिम लोदी। अब आते हैं हम 20th अप्रैल 1526 में, ठीक है। अभी इब्राहिम लोदी कोई ऐसा पावरलेस किंग नहीं था भाई, हिंदुस्तान का शहंशाह है वो, ठीक है। इब्राहिम लोदी के पास 100,000 की इन्फेंट्री थी, 100,000 का उसके पास जो है सैन्य दल था, और 1,000 एलिफेंट्स उसके आर्मी में शामिल थे। और ये बोला जाता है कि जो लोदीस के एलिफेंट होते थे वो बहुत ही जो है एग्रेसिवली जो है फ्रंटल बैटल में दुश्मन को खत्म कर देते थे, ठीक है। और अगर हम देखें बाबर का साइड, तो बाबर के पास हार्डली 8-10,000 सोल्जर्स थे, ठीक है। लेकिन बाबर का सबसे महत्वपूर्ण हथियार जो एक्स फैक्टर साबित हुआ इस बैटल में, वो था माउंटेड आर्टिलरीज,
ठीक है, तो ठीक है, तो इससे पहले ऐसा नहीं है कि इंडिया में किसी ने गन पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया था, गन पाउडर वेर यूज, बट उसको एक माउंटेड आर्टिलरी में लेके यूज करना वो जो है पहली बार बाबर ने इंडिया में किया था, और उसी का इफेक्ट जो है बैटल में पड़ा, और उसके बहुत सारे डिटेल्स हैं। बहुत सारे हिस्टोरियंस का ये भी कहना होता है कि वो जो बैटल फील्ड था पानीपत का, वहाँ पे एक गड्ढा भी किया गया था, उसको ढका गया था, और जब लोदीस की आर्मी फ्रंट ऑन अटैक किया तो वहाँ पे भी बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए, और बाबर ने बहुत ही जो है स्मार्टली अपने ट्रुप्स को तैनात करके रखा हुआ था। तो हालांकि ये बैटल ज़्यादा टाइम नहीं चला, हालांकि लोदीस के सोल्जर्स बहुत फियर्सली बैटल किए, और इस बैटल में इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर जो है दिल्ली और आगरा का रूलर बनता है। लेकिन यहाँ पे जो है बाबर के लिए चैलेंजेस खत्म नहीं हुए थे। बाबर का सबसे बड़ा चैलेंज अभी बाकी था, वो कौन थे? वो थे राणा संग्राम सिंह ऑफ मेवाड़। ठीक है, तो राणा संग्राम सिंह ऑफ मेवाड़ के साथ बाबर का युद्ध होता है इन द नेक्स्ट ईयर 1527 एट द बैटल ऑफ खानवा। यहाँ पे जो है राणा संग्राम सिंह भी बहुत ही फियर्स बैटल में जो है डिफीटेड होते हैं बाय बाबर, और बाबर अपने ऑटोबायोग्राफी में भी लिखता है कि मैंने इससे फियर्स फाइटर, राणा संग्राम सिंह जी से फियर्स फाइटर मैंने आज तक नहीं देखा है। ठीक है, नेक्स्ट वी सी 1521 में बैटल ऑफ बनारस होता है। यहाँ पर जो ईस्टर्न अफगान्स थे, ठीक है, ईस्टर्न अफगान्स के साथ जो है बाबर का वॉर होता है, और इसमें जो है ये बैटल इनडिसाइसिव रहता है। ठीक है, एंड देन बाबर जो है एक बहुत ही अच्छा डील करता है ईस्टर्न अफगान्स के साथ। वो एक फॉल्स क्लेम करता है कि मैं बिहार का रूलर बन गया हूँ, बिहार पे मेरा कब्जा है, तुम लोग बंगाल में रूल करो, और मुझे जो है पूरा नॉर्थ इंडिया मेरे कब्जे में रहेगा। तो ईस्टर्न अफगान इससे मान गए, वो बंगाल चले गए, और बाबर जो है मुगल एम्पायर को नॉर्थ इंडिया में कुछ हद तक कंसोलिडेट करने में सफल रहा। लेकिन 1530 में अफगानिस्तान, उस टाइम के काबुल में कुछ इंटरनल रेबेलियन होने के कारण बाबर जब वहां लौट रहा था तो रास्ते में उसका मौत होता है, और इसी के साथ ही जो है मुगल एम्पायर का जो फाउंडेशन का जो पूरा हमने स्टोरी है उसको बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू।